विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर तमाम संगठनों ने झांसी में रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। विश्व हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष राजू रक्सा, जिन्हें नरेश गुप्ता के नाम से पहचाना जाता है, उन्होंने अपने समिति के सदस्यों के साथ में आज रक्तदान किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया, साथ ही खुद भी रक्तदान किया। आप देख रहे हैं, ये रक्तदान का नज़ारा है। उन्होंने क्या कहा? नरेश गुप्ता, राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश गुप्ता राजू रक्सा। आज विश्व रक्त दिवस पर राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच एवं नवजीवन पैथोलॉजी के द्वारा आज रक्तदान महादान का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच और झांसी के सम्मानित नागरिक एवं तमाम लोगों ने रक्तदान दिया है और ज़रूरतमंदों के काम में आए, इसलिए रक्तदान किया है। कितने लोगों ने किया है अभी तक? तो अभी शुरू हुआ है, चूँकि 11 बजे शुरू हुआ है, अभी करीब 30-40 लोगों का, 30-35 लोगों का हो गया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि लोग परेशान होते हैं रक्त के लिए, कि डॉक्टर बोलता है कि हमें ब्लड चाहिए, ब्लड नहीं मिलता है, तो उससे ज़रूरतमंदों के काम में आए और उनको नया जीवन मिले, उसके लिए रक्तदान शिविर रखा गया है।